गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे इट्स वर्षा ब्लॉग के चैनल पे। तो इंट्रो देने का बहुत कम समय है, बल्कि छोटा सा आपको इंट्रो दे दूँ और मैं जाऊँ तैयार होने के लिए। तो मैं जा रही हूँ आरू के घर पे, उसका भाई आया है छोटा सा प्यारा सा, तो उसका आज पूजा रखा है। तो मैं बोली आपको दिखाती हूँ वो पूजा कैसे होता है हमारे इधर एंड वो पूजा कैसे होगा मे बी, और आप मेरे साथ बने रहें और देखो और इंजॉय करो। और हम लोग ने बेबी के लिए क्या क्या लिया है वो भी आपको देखने मिलेगा एंड हम लोग ने कैसे दिया, मतलब क्या दिया वो भी आपको देखने मिलेगा। यस, वो मैंने शूट किया है और वो एक और गिफ्ट था उसको मैं ये ब्लॉग में नहीं डाल पाई, वो शॉर्ट में डालूंगी, तो आप वो देख लेना। एंड अभी मैं जाती हूँ तैयार होने और इस ब्लॉग में बनने रहना, स्किप मत करना। और चलो चलो, बहुत बोलना बोलूँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप बस स्किप मत करना, देखते जाना। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने एंड तैयार होके आपको मिलूँगी उसके घर पे डायरेक्ट, मतलब आरू के घर पे या अभी फ्रंट ऑफ। तो मैं जाती हूँ, बहुत लेट हो रहा है, बाय बाय। तो ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं सोची आप लोग को दिखा दूँ कि हम लोग ने क्या दिया था। और सोहर प्रोग्राम है, वो पूजा नहीं था, वो शोहर प्रोग्राम था, मतलब सारी आंटी आके गीत गाई थी। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे दिया है दो बेबी का ड्रेस का सेट है कॉटन का, और ये बेबी का टावेल। रुक रुक, हाँ इसे रख, रुको हाँ बस। तो हम उनके घर पे आ चुके हैं और हम लोग सबसे पहले उनको गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी आंटी आ जाएगी फिर गिफ्ट देने में प्रॉब्लम होगा और फिर हमको जल्दी जल्दी घर पे जाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी मामी को कि आपको गिफ्ट तो लेके रख लो, मेरे को वीडियो निकालना है बाबू तैयार होगा कि नहीं होगा। तो मामी बोले तैयार तो नहीं होने वाला है, ऐसे रहेगा बाबू। तो मैंने बोला ओके ठीक है, आप गिफ्ट रख लो। और तो मम्मी ने बोला कि आप एक कप करो, मम्मी को तुम्हें आरू की दादी को दे दो, वो अच्छे से गिफ्ट संभाल के रखेंगी। तो इसके लिए फिर हम लोग ने आरू की दादी को ढूंढा, आरू की दादी है किधर, फिर उनको गिफ्ट दिया, फिर वो संभाल के गिफ्ट रखी, फिर ये सिलसिला चलते रहा। तो चलो अभी हम पूछते हैं हमारी आरू से कि हम यहाँ पे करने के आए हैं। ओके, तो देखते हैं आरू क्या जवाब देगी। सब हम वहाँ बच्चे लोग बड़े हो गए ना, छोटे खूब क्राफ्ट सिखाते थे। आरू लेके आओ तो बेटा, लेके बैठो बैठो बैठो, हाय बोला, हाय 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 गाइस, नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो, शर्मा गई। तो यहाँ पे आंटी लोग का प्रोग्राम चालू हो चुका है सोहर गाने का, और सबसे पहले पैर रंगाने का चल रहा है प्रोग्राम। तो नानी को सबसे पहले पैर रंगाने के लिए बुलाया गया, फिर एक बार एक सारे आंटी अपने अपने पैर रंगाएंगी। और यहाँ पे आरू अपना देख रही है, चेक कर रही है कि ढोल सही है कि नहीं बजा के सब, क्योंकि आंटी लोग उसके बाद ढोल बजाएगी। सो अभी आप आगे देखो कि बहुत सारे मस्तियाँ हुई है, डांस हुए हैं, फन है, तो बने रहे, डोंट स्किप। सो गाइस, ये पार्ट वन है, इसमें अभी बेबी का फेस रिवील नहीं होगा, 1 सितंबर के दिन बेबी का फेस रिवील होगा, तो व्लॉग उसके बाद आएगा। और आरू का बर्थडे भी है तो ग्रैंड व्लॉग। वेट 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 गाइस, आपको कुछ दिखाना है। इसी मोमेंट पे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट मैंने कैप्चर किया है आरू और उसकी बेस्ट फ्रेंड का। ये देखो कितना इसको प्यार करे, उसको समझा रही है बेटा बेटा करके। ये मोमेंट वाह,
कचन हुट नज़र ना लगे ये मोमेंट को, इतना क्यूट है मोमेंट था। तो मैं बोली आप लोग को भी कैप्चर करके दिखाओ कि ये जो बेस्ट फ्रेंड का जो बॉन्ड है, वाओ आई लव इट। तो आप भी देखो एंड कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर करना इस फ्रेंडशिप के लिए। तो यहाँ पे डांस का प्रोग्राम चालू हो चुका है आंटी लोग का। तो यहाँ पे आरुक की दादी और नानी डांस कर रही हैं। मैं यहाँ पे स्किप करके इसलिए दिखा रही हूँ, अगर मैं बहुत ही लेके गई वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्ट करके आप सभी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही फ़नी मोमेंट्स भी हुआ थे और बहुत ही मस्ती इस टाइम पर हुई थी, बट मैं बहुत ही स्किप करके दिखा रही हूँ। तो भी मैं आपको होप करूँगी कि पसंद आई ये वीडियो। सो गाइस, अभी भी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये वर्ल्ड वॉर 3 है, उससे कम भी नहीं है, और ये WWE भी कह सकते हैं हम। तो ये दो भाई बहनों की घमासान युद्ध की वीडियोस है। मैं सोची आपके फेस पे एक ज़रा सी स्माइल ला दूँ और आप थोड़े हैप्पी भी हो जाओ ये वीडियो देख के और थोड़ी सी कॉमेडी दे। तो चलो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? WWE यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अब महायुद्ध चालू हो गया है। अब देखना पड़ेगा कौन जीतेगा, बड़ा भाई कृष्णा या छोटे बहन श्रद्धा। अरे भाई साहब, ये तो बहुत भारी पड़ चुका है कृष्णा। क्या कृष्णा, तुझे उठना पड़ेगा कृष्णा, तुझे उठना पड़ेगा यार, गिरेगी। ए
श्रद्धा नहीं मारते हैं, श्रद्धा। अरे भाई कितनी शक्ति। कृष्णा, ए कृष्णा, श्रद्धा श्रद्धा, नो नो नो, इतनी ताकत कहाँ से आती है? बोल बेटा, ए श्रद्धा, ए हट भाई, गुस्सा हो चुकी है श्रद्धा, पूरी गुस्सा हो चुकी है, मार डालेगी आज, एक मर्डर होगा। रिएक्शन देखो, रिएक्शन गुस्सा। आज हमारा मीटअप हुआ है सिस्टर।